ये है ब्रांड न्यू एस्टन मार्टिन DBX। ये इनकी पहली फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है। ये शोरूम के बाहर अभी खड़ी हुई है और रजिस्टर्ड है, तो ऑफकोर्स ये बिक चुकी है। और साथ में और भी दो तीन एस्टन मार्टिन हैं। मैं सोचा आपको कंपैरिजन वीडियो दिखा दूँ कि ये मॉडल बाकी मॉडल से कैसे डिफरेंट है। तो ये जो DBX मॉडल है, दुनिया की सबसे महंगी तरीन और पावरफुल और सबसे तेज़ और सबसे लग्जरियस फोर ड्राइव गाड़ियों में से है। पीछे की लाइट सेंगे कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, जितनी भी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे हैं उन सब में एक ही तरह का इंजन है, वो है 4000 cc ट्विन टर्बो V8 इंजन, यानी 8 सिलेंडर। और वो बनाता डिफरेंट हॉर्स पावर बनाता है डिफरेंट गाड़ी में। तो ये जो सिल्वर गाड़ी है, ये है DB11। ये इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। अच्छा, सिर्फ इस गाड़ी में आपको एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप एक V12 इंजन भी ले सकते हैं, यानी 12 सिलेंडर वाला। वो है 5200 cc का, मतलब तो नॉर्मल गाड़ी में जो आपको वो V8 ही मिलेगा। अच्छा, साथ में यहाँ पे दो वांटेज है। ये सबसे छोटा मॉडल है एस्टन मार्टिन का। ये आपको तकरीबन 6 लाख दिरहम तक की मिल जाएगी। जो DBX है वो आपको मिलेगी तकरीबन 9 लाख 17 हज़ार दिरहम की। और इतने में आपको जो है वो 3 2022 की लैंड क्रूजर्स मिल जाएंगी। तो एस्टन मार्टिन क्यों इतनी महंगी होती हैं? क्योंकि इनमें जो मटेरियल्स यूज़ होता है वो बिल्कुल ए ग्रेड का होता है, और प्लस इसमें ज़्यादातर जो काम है वो हाथ से होता है। जितनी भी सीट्स हैं और इंटीरियर है वो सब हाथ से सिलाई होती है इसमें, और जितना भी वुड है और लेदर है सब हाथ से पॉलिश, हाथ से सिलाई वाला काम होता है। और आपके पास अनगिनत ऑप्शंस होते हैं इस गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए। आप जितना जिस तरह से चाहें आप इसको जो है इसका इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी मर्सिडीज़ का, अगर आपने गौर से देखा हो तो वो कमांड सिस्टम है जो कि मर्सिडीज़ में आता है। तो एस्टन मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो मर्सिडीज़ उनको हेल्प करती है। इसी तरह की महंगी और सस्ती गाड़ियों की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ज़रूर जाके देखिएगा आपको।